दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पिक्सार की ऐसी तीन टिप्स देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी। गाइस इसमें मैं आप लोगों को पिक्सार की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही गाइस ये भी बताऊंगा कि जब आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो आपके फोटो के पिक्सल्स क्यों फट जाते हैं, और इसका सोल्यूशन भी दूंगा। और इसके साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूँ कि पिक्सार के अंदर ही आपको फुल HD में बैकग्राउंड मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं पिक्सल फटने की। जी हाँ गाइस, जब भी हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं पिक्सार्ट में तो फोटो के पिक्सल फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर बैकग्राउंड चेंज करता है तो उसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और पिक्सल भी नहीं फटते हैं। इसका यही रीजन है गाइस कि हमारा बैकग्राउंड का साइज तो बहुत ज्यादा होता है, हमारी फोटो का साइज बहुत कम होता है, और कभी कभी फोटो का साइज बहुत ज्यादा होता है और बैकग्राउंड का साइज कम होता है, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह हमें रखना होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारी फोटो का साइज 300 KB है तो हमारे बैकग्राउंड का साइज 2 या 3 MB तक हो, इससे ज्यादा भी ना हो, और अगर बहुत कम होता है तो 500 KB तक हो, इससे कम भी ना हो। गाइस तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दोस्तों आप खुद ही ट्राई करके देखिए, गैलरी में जब भी हम एक फोटो को जूम जितना करते जाते हैं उतना ही पिक्सल उसके दिखने लगते हैं। दोस्तों इसी तरीके से जब हम पिक्सार्ट में फोटो को एडिट करते हैं, बैकग्राउंड तो बहुत ज्यादा रख लेते हैं, फोटो का साइज बहुत कम होता है, तो फोटो अपने आप ही साइज अपना बढ़ा देती है, यानी कि वो खुद ही जूम हो जाती है। इसमें मैनुअल तरीके से कुछ होता भी नहीं है पिक्सार्ट में, अगर मैनुअल तरीके से कम भी उसका साइज कर दिया तो भी इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे में होता क्या, पिक्सल फट जाते हैं क्योंकि बैकग्राउंड का साइज बहुत ज्यादा है और फोटो का साइज बहुत कम है, तो पिक्सल ऑटोमेटिक फट ही जाएंगे गाइस। तो यही रीजन है दोस्तों, तो बस आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि फोटो का साइज और बैकग्राउंड का साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर हो तो आपके बिल्कुल भी पिक्सल फटेंगे नहीं। यही तरीका है जो कि आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाते हैं लेकिन कोई भी साइज के बारे में नहीं बताता है, वो बस आपको एडिट करके दिखा देंगे लेकिन साइज की जानकारी नहीं देते हैं। दोस्तों अब मैं पिक्सार की कुछ सेटिंग्स की बात कर लेता हूँ। तो पिक्सार की सेटिंग में ऐसा कुछ खास है नहीं, अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं पिक्सार पे तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल साइड में यहाँ पे एक सेटिंग का आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों को साइज पे जाना है और इसका जितना भी आपको यहाँ पे साइज सबसे ज्यादा दिख रहा है। दोस्तों मेरे में 6 MP दिख रहा है लेकिन हो सकता है आपके में 9 दिखे या 12 भी दिख सकता है, तो आप लोगों को उतना ही कर लेना है और यहाँ पे एक टिक लगा देना है इस तरीके से। इसके बाद गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ कि बैकग्राउंड आप लोगों को जो भी फोटो में यूज करना है वो पिक्सार के अंदर ही मिल जाएंगे। तो मैं एक फोटो यहाँ से ले लेता हूँ गैलरी से, कोई भी ऐसे में फोटो ले लेता हूँ, मैं यही फोटो ले लेता हूँ, उस पर मैं पहले एक वीडियो बना भी चुका हूँ दोस्तों। तो जिस तरीके से भी आप लोग बैकग्राउंड को क्रॉप करते हैं इस तरीके से नॉर्मली करते होंगे, शायद मेरा बिल्कुल परफेक्ट ना हो गैस, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हमारा हो गया है क्रॉप, अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। लगभग ठीक ही क्रॉप हो गया है, बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी में कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लीजिएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ बैकग्राउंड आपको इसी के अंदर कैसे मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो एड वन का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से भी बैकग्राउंड ले सकते हैं लेकिन मैं दूसरी तरीके से भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ब्राउज यहाँ पे ऑप्शन आता है और यहाँ पे बैकग्राउंड आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, आप लोग इसे भी यूज कर सकते हैं। ऊपर सर्च का भी ऑप्शन दिया है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं गाइस। चलिए मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ बैकग्राउंड। दोस्तों ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपके कितनी देर में डाउनलोड हो जाएंगे, तो ये मेरे लगभग डाउनलोड हो चुके हैं सारे, तो इसे मैं यूज कर लेता हूँ। तो गैस कुछ इस तरीके से दिखेगा और हमारे बैकग्राउंड आ गए हैं, देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड है।
सिंपली अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सर्च का ऑप्शन आता है, इससे भी अच्छे अच्छे प्लेग्राउंड यूज कर सकते हैं। लेकिन गैस मैं दूसरी तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग ड्रॉ से ही बैकग्राउंड ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लेयर का ऑप्शन आता है, तो इस लेयर को नीचे कर देते हैं और इस वाली नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे प्लस का जिस तरीके से फोटो ऐड होती है, और दोस्तों यहाँ पे जब रिसेंट पे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है फ्री टू एडिट, तो इस पे क्लिक करना है। वैसे तो हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहीं पे हमारे मेन बैकग्राउंड है, यहाँ से हम बैकग्राउंड ले सकते हैं अपनी फोटो के लिए। लेकिन गाइस इसे डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। तो मैं एक यूज करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे फुल HD में बैकग्राउंड है ये, और आपकी फोटो के हिसाब से आप अपने बैकग्राउंड को ले सकते हैं यहाँ से। दोस्तों तो इसी बैकग्राउंड को मैं ओके कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड आ चुका है, कैसी एडिटेड बैकग्राउंड है, इसे एडिट करने की भी जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।